वहीं ग्वालियर जिले में कुछ आरोपियों द्वारा दिन दहाड़े एक युवक के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला गोले के मंदिर थाना क्षेत्र का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते करीब 10 से 15 बदमाशों ने दिन दहाड़े फरियादी सौरभ सिंह तोमर के घर के बाहर फायरिंग कर दी। साथ ही फरियादी के घर के बाहर खड़ी कार में आरोपियों ने तोड़फोड़ भी की। जानकारी के मुताबिक फायरिंग की यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जो कि अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है।